अंतरात्मा से आत्मा की परम शांति तक यशवंत सिन्हा केमल लॉन्ग हुए। देश के प्रथम नागरिक के चयन के लिए राष्ट्रपति चुनाव में सोमवार को मतदान हुआ और धड़ल्ले से क्रॉस वोटिंग होने के परिणाम स्वरूप ये भी तय हो गया कि चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही आ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे यशवंत सिन्हा परिणाम घोषित होने के पूर्व ही चुनाव हार चुके हैं और कैसे उनके अंतरात्मा की आवाज सुनने को कुछ विपक्षियों ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और UPA प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला कड़ा होने के बजाय इतना आसान हो गया कि मतदान के दिन ही अनुमान लगना तय हो गया कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। इसी क्रम में यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए हैं और स्वयं विपक्ष ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया है। असल में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के दावों के बीच अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को चुनाव हुए। NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनावों से पहले ही विपक्ष के यशवंत सिन्हा से आगे दिखाई दे रही थी और बची खुची कसर कई विपक्षी पार्टियों ने उनके समर्थन की घोषणा करके पूरी कर दी थी। बाकी का काम सोमवार को पूर्ण हुआ जब एक के बाद एक नए राज्य से क्रॉस वोटिंग की खबरें आने लगी। यही नहीं, चुने हुए प्रतिनिधियों ने सामने आकर यह कहा कि हमने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया है। ज्ञात हो कि सोमवार सुबह ही चुनाव शुरू होने से पूर्व संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा एक बार पुनः वही बात दोहराते हुए दिखे कि सभी विधायक और सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करें। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें इस चुनाव में व्हिप से नहीं बांध सकती हैं। बस एक के बाद एक करते हुए यशवंत सिन्हा अंतरात्मा की आवाज कहते रहे और सही मायनों में उन सभी विधायकों और सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वही किया जो उन्हें ठीक लगा। सोमवार सुबह चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हुआ और दोपहर होते होते दिख गया कि पलड़ा किसका भारी है और 21 जुलाई को मतगणना के दौरान ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सभी को पता है। दरअसल NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को NDA के अतिरिक्त UPA तक के कई लोगों का समर्थन मिला है और कई राज्यों के विधायकों और सांसदों ने एक के बाद एक करके अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करने के बजाय द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कराए। उदाहरण के लिए ओडिशा से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने कहा, मैं कांग्रेस का विधायक हूं परंतु मैंने NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ये मेरा निजी फैसला है क्योंकि मैंने अपने दिल की बात सुनी है जिसने मुझे धरती के लिए कुछ करने को प्रेरित किया है और इसीलिए मैंने उन्हें वोट दिया है। इसी प्रकार से शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो विधायकों सहित कई विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड दावा किया कि उन्होंने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। गुजरात में NCP विधायक कंधल जडेजा ने कहा कि उन्होंने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश के बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी विधायक शहजिल इस्लाम ने तो क्रॉस वोटिंग कर डाली। सपा विधायक ने NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। भोजीपुरा से SP के टिकट पर विधायक बने शहजिल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की है। अब तो अखिलेश यादव भी लाइक, ये शर्म नहीं आता है, ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। ज्ञात हो कि मुर्मू को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी समर्थन का आश्वासन दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों धड़ों ने भी समर्थन का वादा किया था। एक और जहां शिंदे गुट जिसने भाजपा के साथ गठबंधन किया था NDA के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था, तो वही बाद में उद्धव ठाकरे गुट जो प्रारंभ में यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहा था उसने भी पाला बदल लिया और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का समर्थन किया। अब राज्य में सरकार चला रही पार्टियों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करने की बात आ ही रही है तो झारखंड को कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले झामुमो ने राष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया।
झामुमो की ओर से कहा गया है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। पार्टी अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सुरेन जी ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने हेतु सभी माननीय सांसद एवं विधायक गण को निर्देशित किया है। अब पार्टियां हो या निजी विचार, सभी ने यशवंत सिन्हा के कहने पर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान किया और बाहर आकर ये भी बता दिया कि चूंकि यशवंत सिन्हा जी ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करने के लिए कहा सो हमने कर दिया। अब जब पार्टियों से लेकर सभी ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान कर ही लिया है तो निसंदेह यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए हैं और विपक्ष ने इसे सार्वजनिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।